हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप को क्लियर कैचे करना चाहते हैं या तो फिर क्लियर डेटा करना चाहते हैं तो इन दोनों को करने से क्या होता है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर क्लियर कैचे करना है तो आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे जाना है और मैनेज एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली से व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप स्टोरेज पे जाते हैं और यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला में जो ऑप्शन आता है क्लियर ऑल डेटा का, तो अगर आप लोग यहाँ पर क्लियर ऑल डेटा करते हैं ना तो यहाँ पर जो आपने व्हाट्सएप में लॉगिन किया होगा तो वो यहाँ पर लॉग आउट हो जाएगा और आपका जो व्हाट्सएप है जो पहले था, मतलब जैसे जैसे कि आपने अकाउंट नहीं बनाया था पहले, तो वैसे पहले जैसा व्हाट्सअप हो जाएगा। आपको फिर से दोबारा से अपना जो नंबर वगैरह है वो डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो क्लियर ऑल डेटा का मतलब ये होता है। तो आपको दोबारा से लॉगिन यहाँ पे व्हाट्सअप पे करनी पड़ेगी, तभी आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप को यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्लियर कैचे का मतलब क्या होता है। तो अगर आप व्हाट्सअप को क्लियर कैचे करेंगे ना तो इससे गाइज होगा कुछ नहीं, यानी कि जो आपका आईडी वगैरह है वो यहाँ पे सबसे सही रहेगा। लॉगिन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पहले से लॉगिन रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को क्लियर कैचे कर देता हूँ, तो क्लियर कैचे करने से कुछ नहीं होता है, बस उसका थोड़ा सा कैचे जो है क्लियर हो जाता है यहाँ का, और यहाँ पर आपको जैसा पहले था आपका व्हाट्सएप जैसा आप यूज़ कर रहे हैं वैसा ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो क्लियर कैचे करने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका कुछ भी मैसेज वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं होगा। जैसा आप पहले व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं वैसे ही आप लोग यहाँ पे आप जो है यूज़ कर पाएंगे क्लियर कैचे करने से। ओके, और अगर आप क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करते हैं ना, ये वाला अगर ऑप्शन आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तब आपका जो आईडी वगैरह है वो यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।